पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों में टिकटों को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, यहाँ टिकट के बंटवारे को लेकर कांग्रेस दफ्तर में बवाल हो गया। सुष्मिता सेन इन दिनों अपने जिंदगी में आए एक नए शख्स के कारण चर्चा में। ये मॉडल रोमान शाल पिछले दिनों शाल और सुष्मिता ताजमहल घूमने गए थे, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई थी। मालेगांव ब्लास्ट केस में सात आरोपों पर आतंकी साजिश रचने का आरोप तय होने के बाद इस मामले का ट्रायल शुक्रवार से शुरू हो रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू जब एनडीए से अलग हुए तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि वह कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और भी हैं। कांग्रेस ने तो उनका साथ लिया ही, दूसरे विपक्षी दलों को भी एकजुट करने में लगे। भारत ने तिरुवनंतपुरम वनडे में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से मात देकर पांच मैचों की वनडे सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमा लिया। भारत ने बल्ले और गेंद दोनों से अपना वर्चस्व दिखाया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा के लिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत कई नेता हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव अनिल परिहार और उसके भाई अजीत परिहार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पुलिस ने किश्तवाड़ में कर्फ्यू लगा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी दादी महाराज की याचिका पर आज 2 नवंबर को सुनवाई करेगा। दादी महाराज के वकील ने याचिका में आरोप लगाया कि आरोपी में कुछ सूचना छिपा ली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नामांकन का शुक्रवार यानी आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण के लिए बीजेपी 72 उम्मीदवारों ने गुरुवार को अपने अपने जिलों में जाकर एक समय पर पर्चा दाखिल किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटने और उम्मीदवारी तय होने में कुछ घंटे का समय बाकी है। इस बीच मध्य प्रदेश से शिवराज सरकार में मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा ने चौंकाने वाला फैसला किया। मध्य प्रदेश के उद्यानिक मंत्री ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में संजय नाम के शख्स की हत्या की गुत्थी सुलझती नजर आ रही है। पुलिस ने इस वारदात में शामिल आरोपियों का पता ट्रैकिंग सर्विलांस से लगाया है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने गुरुवार को कहा कि भारत को अतिरिक्त क्षेत्र की लालसा नहीं है, लेकिन इसका लक्ष्य आर्थिक प्रगति और सामाजिक राजनीतिक विकास के लिए एक अनुकूल बाहरी और आंतरिक सुरक्षा का वातावरण सुनिश्चित करना है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने संसद का निलंबन हटा लिया है और देश में चल रहे मौजूदा राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए सोमवार को संसद की बैठक बुलाई है। कांग्रेस ने मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को अपना मैनिफेस्टो जारी किया। कांग्रेस ने राज्य में सत्ता में वापस आने पर कक्षा 10 पास करने वालों को, इससे ऊंचे दर्जे के छात्रों को फ्री लैपटॉप देने का वादा किया है। 2 नवंबर को बॉलीवुड के किंग यानी आज 53वां जन्मदिन है। इस मौके पर वे अपने फैंस को खास सौगात देंगे। किंग खान की मोस्ट अवेटेड मूवी जीरो का ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। भारत ने गुरुवार को कहा कि ईरानी तेल आयात पर अमेरिकी प्रतिबंध के मुद्दे पर वह अमेरिका ईरान सहित अन्य पक्षकारों के साथ संपर्क में। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप सरकार इस प्रतिबंध से भारत को छूट दे सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों का चयन बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में राज्य के 2 बड़े नेता आपस में अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, पुलिस थाने पर बीजेपी और आरएसएस का राज बताया अखिलेश यादव ने। उत्तराखंड आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ता है और खिचड़ी खाता है आईएएस अधिकारी का बेटा। सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जजों की नियुक्ति हुई है। राष्ट्रपति ने गुरुवार को इन नए जजों की नियुक्ति का आदेश जारी किया। नव नियुक्त सभी जजों को शुक्रवार सुबह शपथ दिलाई जाएगी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बुधवार रात उत्तर प्रदेश के बाराबंकी स्थित देवा मेले में बड़ा बयान दिया है।
सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर चादरपोशी के बाद उन्होंने अयोध्या में भगवान राम मंदिर के निर्माण की वकालत की। महालक्ष्मी के पूजन का पर्व दीपावली 7 नवंबर बुधवार को मनाया जाएगा। इस मौके पर समृद्धि और सामर्थ्य प्रदान करने वाला आयुष्मान सौभाग्य स्वाति नक्षत्र का मंगलकारी त्रिवेणी संयोग बनेगा। मध्य प्रदेश में टिकट वितरण से पहले भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टिकट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे नेताओं की बागी बनने की संभावना है। हाल ही में इंदौर में एक विधायक सहित 3 नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कई और नेताओं के पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हुई हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्कूली बच्चों से भरी बस और मंत्रालयीन कर्मचारियों की बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 बच्चों सहित 4 की मौत हो गई। यह बच्चे केंद्रीय विद्यालय के थे। कंप्यूटर बाबा को दिगंबर अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। खबर यह भी है कि 15 जनवरी से आरंभ हो रहे प्रयागराज कुंभ में अखाड़े की गतिविधियों में सम्मिलित होने पर भी कंप्यूटर बाबा पर रोक लग सकती है।